नेक्स्ट क्वेश्चन पेलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, और ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, ठीक है ना, बहुत स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है टू लार्ज सर्कुलर डिस्क सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 0.01 मीटर, ये दो डिस्क दी हुई हैं, इनके बीच का डिस्टेंस 0.1 मीटर है। दे आर कनेक्टेड टू अ बैटरी वाया स्विच, एक स्विच कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी का वोल्टेज गिवन है। चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप्स ऑफ डेंसिटी 900 kg/m³ आर रिलीज थ्रू अ टाइनी होल एट द सेंटर ऑफ टॉप डिस्क। यहां से हमने चार्ज ऑयल ड्रॉप्स को रिलीज किया है। अब आप एक बार ध्यान देखना कि इस पे ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल बनेगा। कह रहा है वंस सम ऑयल ड्रॉप अचीव टर्मिनल वेलोसिटी द स्विच इज क्लोज्ड एंड अप्लाई अ वोल्टेज 200 वोल्ट अक्रॉस द डिस्क। तो पहले स्विच ओपन है तो ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेंगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी फोर्स और एयर की वजह से जो फ्रिक्शन है, बॉयंट फोर्स, विस्कस फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उनकी वजह से ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेंगी। बाद में कह रहा है कि जब ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर रहे हैं द स्विच इज क्लोज्ड टू अप्लाई अ वोल्टेज 200 वोल्ट, तो 200 वोल्ट का वोल्टेज अगर 0.01 मीटर में लगा है तो हम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी। एज अ रिजल्ट ऑयल ड्रॉप ऑफ रेडियस दिस स्टॉप्स मूविंग वर्टिकली एंड फ्लोट्स बिटवीन द डिस्क। तो स्टॉप्स मूविंग का मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर जो क्यूई का फोर्स लग रहा है वो उसके एमजी को एग्जैक्टली बैलेंस कर ले रहा है, जिसकी वजह से उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी ऑयल ड्रॉप पूछा हुआ है, तो बेसिकली सेकेंड वाली इंफॉर्मेशन से हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। और सिंपल क्वेश्चन ये है, व्हेन ऑयल ड्रॉप फ्लोट्स, तो देखो फ्लोट्स वाली कंडीशन जब आएगी तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे क्यूई इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। अच्छा क्यू को लिखते हैं एन इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, ई की जगह हो जाएगा वी नॉट अपॉन प्लेट सेपरेशन, और एम जी की जगह ध्यान से देखना बनेगा वॉल्यूम ऑफ अ ड्रॉप 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी। तो यहाँ से अगर आप एन की वैल्यू निकालोगे तो ये 6.028 आएगा, यानी क्लोजेस्ट इंटीजर वुड बी 6, इसका आंसर 6 है डायरेक्टली।